नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गरीबी आपके कभी भी नज़दीक ना आए और आप गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप गरीबी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप आज की इस चाणक्य नीति को जरूर देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं चाणक्य नीति के माध्यम से आपकी गरीबी को दूर करने के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके ऊपर आप अमल करके कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लोगों के हित के लिए कई अच्छी बातें बताई है। चाणक्य की नीतियां व्यक्ति को सफल बनने की प्रेरणा देती हैं और जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं। दोस्तों, चाणक्य जी की नीतियां उस समय की बताई गई हैं और आज के समय में भी चाणक्य की ये शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। यानी कि चाणक्य की नीतियां पहले के समय से चली आ रही हैं और आज के समय में भी 100% सही साबित हो रही हैं। व्यक्ति को चाणक्य की नीतियों के सार को सही प्रकार से समझना चाहिए। इन्हीं नीतियों के अनुसार चाणक्य जी ने कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है जिसके कारण व्यक्ति गरीब बन जाता है। चाणक्य ने इन आदतों से व्यक्ति को हमेशा दूर रहने के लिए कहा है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दांतों की साफ सफाई नहीं करते हैं, उनके पास कभी भी पैसा नहीं आता। ऐसे लोग हमेशा गरीब बने रहते हैं और हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। इसी तरह से जो लोग अपने आसपास स्वच्छता नहीं रखते और गंदे वस्त्र पहनते हैं, ऐसे लोगों के पास भी कभी भी पैसा नहीं टिकता। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता है। दोस्तों, इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति भी जीवन में गरीब बन जाता है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक भोजन का उपभोग करना व्यक्ति को गरीबी की ओर खींच कर ले जाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रहते। इसलिए दोस्तों भोजन को अपनी लिमिट के अनुसार ही करना स्वास्थ्य के लिए और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो लोग आलसी होते हैं, जो सुबह जल्दी नहीं उठते और लेट तक सोए रहते हैं, ऐसे लोगों के पास कभी भी पैसा नहीं रुकता। दोस्तों, सूर्योदय के बाद तक सोए रहने वाला व्यक्ति जीवन में कर्ज के नीचे डूबा रहता है। इसलिए दोस्तों हमेशा आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ताकि आप जल्दी उठकर अपने काम धंधे में लग जाएं और अपने काम धंधे को अच्छे से निपटा लें। इसलिए जो लोग लेट तक सोए रहते हैं, जीवन में उन्हें गरीबी का ही मुंह देखना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो लोग छल कपट या बुरे कार्यों से पैसा कमाते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ऐसे लोगों को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए छल कपट के द्वारा कमाया गया पैसा व्यक्ति को गरीब बना देता है और वो पैसा व्यक्ति को जीवन भर कर्ज के नीचे डुबा देता है। तो दोस्तों, यह तो थी आचार्य चाणक्य जी की नीति, जिसका आप सार जानकर गरीबी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गरीबी से दूर रहना चाहते हैं और आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप आचार्य चाणक्य जी की नीति का अपने जीवन में अमल एक बार जरूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर रोजाना ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके।